प्रयागराज हत्याकांड पर सियासत गरमा चुकी है। शिवपाल सिंह यादव यहां भी अखिलेश से एक कदम आगे नजर आ रहे हैं और बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रयागराज हत्याकांड की खबर लगते ही शिवपाल ने मौके पर जाकर अखिलेश को आईना दिखाया, क्योंकि खबर है कि कल सपा का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलेगा और हो सकता है कि अखिलेश भी प्रयागराज जाएं, लेकिन शिवपाल के इस स्टंट को अखिलेश से एक कदम आगे निकलने की होड़ के तौर पर माना जा रहा है। इन दोनों यूपी की सियासत में शिवपाल और आजम को लेकर हलचल मची हुई है। अखिलेश से बगावत कर चुके इन दोनों नेताओं की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है, जिसके बाद भाजपा भी लगातार इस मुद्दे पर अखिलेश को घेरने से पीछे नहीं हट रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बगावत का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने अच्छा काम किया, हमारा भी कोई साथी अगर संकट में है, जेल में बंद है, अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जा करके जरूर मिलते आजम खां से और सरकार विवश हो जाती, आंदोलन खड़ा कर देते, लेकिन सुविधा भोगी लोग हैं, नेता नहीं है। और शिवपाल नेता है, शिवपाल सुख दुख झेले हैं और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कब स्वागत कर रहे हैं भाजपा में? मैं तो कर रहा हूँ, मेरे मन में तो आता है मैं खुद जाकर के आजम खां। सांसद जी आप ये बताइए, मैं खुद आजम खां से मिलूंगा, आजम खां भी अगर मैं उधर जाऊँगा तो मिलूंगा। जब लतियाए गए हैं तब ये कर रहे हैं, लात मार के बाहर कर दिए गए, गए थे वहाँ हीरो बनने के लिए, बन के जीरो निकले। किसने लात मार दी? भतीजे ने मारी, और कौन मारेगा? भतीजे ने मारी, भाई ने भी मारी। भाई कोई पुत्र मोह था? भाई मोह नहीं था। शुरू में आए सब कुछ किया, फिर गधा 25 लेके चल दिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व निर्णय ले रहा है तो मूर्धन्य ले रहा होगा निर्णय, किसी सोच विचार के ले रहा होगा। इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी में आदरणीय शिवपाल जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहेगा वो उसको कद के हिसाब से, उसके पद के हिसाब से, उसके सम्मान के हिसाब से सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई करेगी। और देहरादून दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद रहे। सरकार के एक महीने के कामकाज पर फीडबैक लिया गया। सरकार में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व देने पर भी विचार हुआ है। देहरादून में भाजपा का मंथन हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून आए हुए हैं। सरकार के एक महीने के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। तमाम वरिष्ठ लोग इस बैठक का हिस्सा रहे।